आज का हमारा टॉपिक है एसिडियन टैडपोल लार्वा एंड इट्स मेटामॉर्फोसिस। सिस्टमैटिक पोजीशन हम देखते हैं। सबसे पहले एसिडियंस की, तो संघ है कॉर्डेटा, सब फाइलम है यूरोकॉर्डेटा, क्लास एसिडिएसिया और बहुत सारे अनेक जीनस हैं, हर्टमैनिया, एसिडिया, सायोना, कॉट्रेलस। अब कुछ एक कैरेक्टर्स एसिडियंस के हम देखते हैं, तो इनमें टेस्ट या आवरण स्थाई प्रकार का पाया जाता है जो कि सुविकसित होता है। जंतु एक खोल में रहता है जिसे हम टेस्ट कहते हैं और यह सुविकसित होता है। और इसमें जो एट्रियल कैविटी होती है, मतलब फेरिंग्स के ग्रसनी से बाहर एक कैविटी होती है जिसे हम एट्रियम कहते हैं, वो बाहर एट्रियोपोर द्वारा खुलती है। ग्रसनी बड़े आकार का पाया जाता है और ग्रसनी में अनेक गिल्सलेट पाए जाते हैं। जंतु हर्मेफ्रोडाइट होता है, लार्वा फ्री स्विमिंग होता है एवं सुविकसित होता है, और जो एडल्ट होते हैं वो सेसाइल होते हैं, मतलब जो एडल्ट होते हैं वो बिना किसी वृंत की सहायता से सीधे डायरेक्टली अपने जो भी सबस्ट्रेटम है उससे अटैच होते हैं, जुड़े रहते हैं। ये डायग्राम हम देख सकते हैं एसिडियन टैडपोल लार्वा का, और यहाँ हम देख सकते हैं कि ये माउथ है और ये आहार नाल है, ये आहार नाल है, और आहार नाल के अंदर ये जो फेरिंग्स वाला भाग है ये बहुत बड़ा होता है, और ये इसके फेरिंग्स में ग्रसनी की दीवारें छिद्रित होती हैं, और ग्रसनी का जो मध्य अधरीय भाग होता है तो वहां एंडोस्टाइल पाया जाता है। ये एंडोस्टाइल है, ग्रसनी के मध्य अधरीय भाग में एंडोस्टाइल पाया जाता है। और जो जंतु का जो लार्वा का जो अग्र भाग होता है वहां तीन एडिसिव पैपिले पाए जाते हैं जिनकी सहायता से जंतु कायंतरण के समय सबस्ट्रेटम से अटैच हो जाता है। फिर हम और भी इसमें संरचनाएं देख सकते हैं। हम देख सकते हैं कि किस तरह से लार्वा के अंदर नर्व कॉर्ड एवं नोटो कॉर्ड स्पष्ट देखे जा सकते हैं। तो ये एडवांस कैरेक्टर होते हैं कॉर्डेटा के, और लेकिन ये यूरोकॉर्डेटा सब फाइलम में ये लार्वा के टेल भाग में ही पाए जाते हैं। और जैसे अभी हम एसिडियंस का मेटामॉर्फोसिस प्रतिगामी कायंतरण पढ़ रहे हैं, तो हम देखेंगे कि किस प्रकार से प्रतिगामी कायंतरण के समय कुछ तो लुप्त हो जाती है और साथ साथ ही ये जो एडवांस कॉर्डेट कैरेक्टर हैं नर्व कॉर्ड एवं नोटोकॉर्ड, ये सारे भी ये संरचनाएं भी पुच्छ के साथ साथ ही टेल भाग के साथ साथ ही डिजेनरेट हो जाती हैं, लुप्त हो जाती हैं। तो ये नर्व कॉर्ड जो है ये बिल्कुल सर्वाधिक डोर्सल पृष्ठीय भाग में पाया जाता है, उसके नीचे नोटोकॉर्ड पाया जाता है और उसके नीचे फिर आहार नाल का स्थान होता है। आहार नाल सबसे वेंट्रल स्थान ग्रहण करता है।
हम इस वाले डायग्राम में हम देख सकते हैं डिटेल में सेंसरी वेसिकल का चित्र हम देख सकते हैं। तो सेंसरी वेसिकल के अंदर ऑटोसिस्ट है और ये सेरेब्रल कोन है, तो ये एक तरह से ब्रेन है लार्वा का। और यहाँ इस डायग्राम में जो टेल पार्ट है उसका सेक्शन दिखाया है, और ये जो नर्व कॉर्ड है ये पृष्ठीय भाग में पाया जाता है, उसके नीचे नोटोकॉर्ड है। नोटोकॉर्ड के सेक्शन में हम देख सकते हैं कि किस तरह से वैक्यूलेटेड कोशिकाएं भरी होती हैं, और नोटोकॉर्ड के नीचे फिर एंडोडर्म निर्माण का प्रारंभ देखा जा सकता है, आहार नाल निर्माण का प्रारंभ देखा जा सकता है। और ये दोनों पार्श्वों में लेटरल मसल बैंड देखे जा सकते हैं। अब हम देखते हैं लार्वा की क्या संरचना होती है। तो लार्वा का जो धड़ भाग होता है वो लगभग 0.3 mm लॉन्ग होता है और बेलनाकार होता है। और जैसा कि अभी हमने देखा था चित्र में कि अग्र भाग पर तीन वृंत युक्त एडिसिव पेपिला पाए जाते हैं। और ट्रंक के डोर्सल पार्ट पर हमने चित्र में भी देखा था किस तरह से एक सेंसरी वेसिकल या ब्रेन पाया जाता है, जिसके अंदर दो ऑसिलाए पाए जाते हैं जो कि फोटोरिसेप्टर होते हैं, प्रकाश संवेदी होते हैं, एवं एक ऑटोसिस्ट या ऑटोलिथ पाया जाता है जो कि इक्विलिब्रियम या बैलेंस मेंटेनेंस का काम करता है। अन्य संरचनाओं के बारे में बात करें तो सेंसरी वेसिकल के समक्ष एक कोनिकल सॉलिड मास पाया जाता है संवेदी कोशिकाओं का, नर्व सेल्स का, जिसे हम सेरिब्रल कोन कहते हैं। वेसिकल के पश्च भाग में एक सॉलिड मास पाया जाता है तंत्रिका कोशिकाओं का, जिसे हम विसरल गैंग्लियन कहते हैं। माउथ की सिचुएशन अग्र पृष्ठीय भाग में होती है और ये आहार नाल का प्रारंभ है। माउथ के बाद एक छोटा सा भाग ब्रिंकियल साइफन का पाया जाता है, जिसके बाद एक बड़ा सा ग्रसनी भाग होता है जो कि थैलेनुमा होता है, और उसके बाद इसोफेगस पाया जाता है, फिर स्टमक होता है, फिर इंटेस्टाइन, और फिर छोटा सा रेक्टम होता है। एनस ओपन्स इनटू द लेफ्ट साइड ऑफ एट्रियम। फेरिंग्स के अंदर बहुत ही सुविकसित एंडोस्टाइल पाया जाता है। एट्रियम फेरिंग्स के ग्रसनी के बाहर पाया जाता है और एट्रियल अपर्चर द्वारा बाहर खुलता है। अब हम देखते हैं लार्वा, एसिडेंट टैडपोल लार्वा के टेल भाग में क्या क्या, टेल भाग के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर होते हैं। तो टेल, लार्वा का टेल एक बहुत ही पावरफुल लोकोमोटरी ऑर्गन है, और
ये लगभग 0.9 mm लंबा होता है, लेटरली कॉम्प्रेस्ड होता है, मतलब पार्श्वीय संपीड़ित होता है, और इसका जो पश्च बिल्कुल जो छोर वाला भाग होता है वो पॉइंटेड होता है, नुकीला होता है। नोटोकॉर्ड सपोर्टिव संरचना है और सिर्फ टेल भाग में पाया जाता है नोटोकॉर्ड। इसके अंदर वैक्यूलेटेड कोशिकाएं पाई जाती हैं, रिक्तिका युक्त कोशिकाएं पाई जाती हैं, और थोड़ा सा जो अग्रभाग होता है नोटोकॉर्ड का वो ट्रंक वाले भाग में थोड़ा सा प्रोजेक्ट हो जाता है। नोटोकॉर्ड के ऊपर नर्व कॉर्ड पाया जाता है, नलिकाकार खोखली संरचना नर्व कॉर्ड स्थित होता है, और नोटोकॉर्ड के नीचे नोटोकॉर्ड के अधरीय भाग में एंडोडर्मल सेल्स देखे जा सकते हैं। अब हम देखते हैं एसिडियन टैडपोल लार्वा के आवास व स्वभाव के बारे में। तो हैचिंग के जस्ट बाद ही, प्रस्फुटन के बाद ही लार्वा फोटो पॉजिटिव होता है एवं जियो नेगेटिव होता है, प्रकाश संवेदी होता है, प्रकाश की तरफ पॉजिटिव रिएक्शन होता है इसका, और यह प्रस्फुटित होते ही जो लार्वा निकलता है वह भोजन ग्रहण नहीं कर पाता क्योंकि उसका मुख भाग टेस्ट द्वारा बंद होता है, और थोड़ी देर एक्टिव फ्री स्विमिंग के बाद लार्वा जियो पॉजिटिव हो जाता है और फिर वो स्लो हो जाता है, फोटो नेगेटिव हो जाता है और स्लो हो जाता है, तब वो फिर बिल्कुल जो तलीय भाग होता है वहां चला जाता है, और फिर ये अपने एडिसिव पैपिले द्वारा जो भी सबस्ट्रेटम होता है उससे अटैच हो जाता है, और फिर ये रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस की प्रक्रिया इसमें प्रारंभ हो जाती है। बेरिल के अनुसार सही उचित आवास का चयन लार्वा के लिए अति आवश्यक है, क्योंकि यदि उचित आवास नहीं मिला तो फिर लार्वा मृत हो जाता है। अब हम देखते हैं कि रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस में किस प्रकार के चेंजेस देखे जा सकते हैं लार्वा में। तो सबसे पहले हम देखते हैं रिट्रोग्रेसिव चेंजेस। इसके अंदर हम देखते हैं, इसके अंदर डीजेनरेटिव चेंजेस पाए जाते हैं लार्वा में, प्रारंभ हो जाते हैं लार्वा में, और जो लार्वल जो टेल होती है अलोंग विद कॉडल फिन वो छोटी होती चली जाती है और बिल्कुल लुप्त हो जाती है। जो टेल के जो मसल्स होते हैं, नर्व कॉर्ड, नोटोकॉर्ड जैसी संरचनाएं होती हैं, वो भी लुप्त हो जाती हैं, वो धीरे धीरे मतलब ब्रेकअप होकर के और डीजेनरेट हो जाती हैं, और यहाँ फैगोसाइटोसिस की प्रक्रिया द्वारा ये लुप्त हो जाती हैं। एडिसिव पैपिली जो होती हैं वो भी डिसअपियर हो जाती हैं पूर्णतया। ऑसिलाई, ओटोसिस्ट एवं सेंसरी वेसिकल ये भी लुप्त हो जाते हैं। इस चित्र में हम देख सकते हैं
कि किस प्रकार से लार्वा तल से अटैच जाता है, जो भी इसका सबस्ट्रेटम होता है उससे अटैच जाता है, और जब ये अटैच होता है तो जो इसका टेल पार्ट होता है ये तो ऊपर की तरफ रहता है, और ये एडिसिव पेपिला द्वारा सबस्ट्रेटम से अटैच जाता है। और इसमें फिर कायांतरण की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है, रेट्रोग्रेसिव कायांतरण की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है, मतलब धीरे धीरे जो ये टेल है वो अपहासित होता चला जाता है, अपहासित होता चला जाता है, डिजेनरेट होता चला जाता है, और टेल के साथ साथ जो एडवांस कॉर्डेट कैरेक्टर हैं जैसे नोटोकॉर्ड, नर्व कॉर्ड, ये भी लुप्त होते चले जाते हैं। यहाँ हम देख सकते हैं कि ये एक एडल्ट मतलब कायांतरण के पश्चात जो एडल्ट विकसित होता है लार्वा के कायांतरण के फलस्वरूप जो एडल्ट विकसित होता है वो हम देख सकते हैं इस चित्र में। तो ये डॉर्सल व्यू है और ये साइड व्यू है। उसके बाद हम आ जाते हैं प्रोग्रेसिव चेंजेस पर। टेल का तो टेल डिजेनरेट हो जाता है और जो ट्रंक है लार्वा का वो पेयर शेप्ड आकार का हो जाता है, नाशपाती के आकार का हो जाता है। एडल्ट न्यूरल ग्लैंड एवं नर्व गैंग्लियॉन का फॉर्मेशन हो जाता है। और मुख के ऊपर जो टेस्ट का कवर होता है लार्वा के वो हट जाता है और माउथ फंक्शनल हो जाता है, तो फीडिंग प्रारंभ हो जाती है और जलधारा का प्रवाह अंदर की तरफ आता है जंतु के, तो सीलियरी फीडिंग का प्रारंभ हो जाता है। फेरिंग्स का आकार बहुत बड़ा हो जाता है और स्टिग्मेटा की संख्या बढ़ जाती है। तो इस प्रकार से फेरिंग्स एक ब्रेंकियल सैक का रूप ले लेता है जो कि स्टिग्मेटा द्वारा छिद्रित होता है। स्टमक बड़ा हो जाता है, इंटेस्टाइन लंबी हो जाती है और यकृत विकसित हो जाता है। एट्रियल कैविटी बड़ी हो जाती है। परिसंचरण तंत्र का विकास हो जाता है एवं गोनाड्स व गोनोडक्ट्स देखे जा सकते हैं, बन जाते हैं। टेस्ट या ट्यूनिक पूरे जंतु के शरीर को आवृत कर लेता है और टेस्ट धीरे धीरे मोटा हो जाता है। और जंतु का फुट भाग बनाता है। अब हम देखते हैं एसिडियन टैडपोल लार्वा का सिग्निफिकेंस क्या होता है। तो एसिडियन टैडपोल लार्वा का टैक्सोनॉमिक सिग्निफिकेंस है क्योंकि लार्वा के अंदर ही ट्रू कॉर्डेट कैरेक्टर्स देखे जा सकते हैं। यदि हम अपहासित एडल्ट को
देखें तो शायद समझ नहीं पाए कि वो एक कॉर्डेटा संघ का जंतु है, लेकिन जब जीवन चक्र का अध्ययन करते हैं और लार्वा के एडवांस कैरेक्टर्स को देखते हैं, जैसे कि नर कॉर्ड एवं नोटोकॉर्ड की उपस्थिति, तब हम समझ पाते हैं कि जंतु कॉर्डेटा संघ का जीव है। फाइलोजेनेटिक सिग्निफिकेंस, तो रिकैपिटुलेशन थ्योरी के अनुसार टैडपोल लार्वा को हम एक रिलिक मान सकते हैं प्री स्विमिंग एंसेस्ट्रल वर्टिब्रेट्स का। अब डिस्पर्सल में किस प्रकार से योगदान करता है लार्वा, तो एडल्ट तो फिक्स होता है, स्थानबद्ध होता है और फ्री स्विमिंग नहीं होता। लार्वा फ्री स्विमिंग होता है और स्पीशीज के डिस्पर्सल में योगदान देता है। एम्ब्रियोलॉजिकल सिग्निफिकेंस, स्टडी ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ हर्टमैनिया प्रोवाइड्स बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ मोजाइक एग्स विद अ वेल ऑर्गेनाइज्ड प्री पैटर्न्ड and well differentiated ooplasm and highly determinate type of development. Thank you.